अच्छा, मैंने शायद बताया नहीं आपको, या बताया, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने सारे वीडियोस हटा दिए हैं, ठीक है? सारे वीडियोस हटाए, मतलब यूट्यूब से हटाए नहीं है, ठीक है? यूट्यूब से हमने नहीं हटाए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? सर ओके, यूट्यूब से हमने नहीं हटाए, सारे के सारे वीडियोस मैंने अनलिस्ट कर दिए, ठीक है? जिन जिन बच्चों को देखना है, स्टिल यू कैन वॉच द वीडियोस, ठीक है? मुझे सिर्फ आप मैसेज कर देना, मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको भेज दूंगा, फिर आप देख सकते हो आराम से, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना, हमारे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सो यू हैव टू अगेन एंड अगेन रिवाइज द नोट्स, ठीक है? जैसे इंटीग्रेशन में भी हमने 20 से 25 टाइप अलग अलग डिस्कस किए इंटीग्रेशन, ठीक है? तो आपको हर एक एक टाइप तभी याद रहेगी जब आपने 8 से 10 बार नोट्स का रिविजन किया होगा, ठीक है? तो उसको बहुत अच्छे से करें। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ग्राफ। क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट बाउंडेड फंक्शन, ठीक है? डोमेन रेंज हमने दिखा दिया है, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है? बाउंडेड फंक्शन नहीं है। एसिम्प्टोट्स की बात करते हैं, तो ये चीज अभी आप याद रख लें, आगे हम समझाएंगे आपको कैसे एसिम्प्टोट्स निकालते हैं, ठीक है? तो इसका जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, वो इसके लिए एसिम्प्टोट्स है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन इज द एसिम्प्टोट। थर्ड, x इज इक्वल टू 0 इज द एसिम्प्टोट। दो एसिम्प्टोट्स है इसके, दीज आर द एसिम्प्टोट्स। x is equals to 0 is the asymptote और y is equal to x is के asymptote, ये दो इसके asymptotes हैं, ठीक है? तो हमारे discussion को हम continue करते हैं, ओके? तो ये basic functions थे algebraic जिनका हमने graph बना लिया। अब next type of functions को discuss करते हैं हम। so next type of functions is transcendental functions. Now what comes under transcendental functions is exponential functions इसके अंडर में आता है, logarithmic functions इसके अंडर में आता है, functions, third trigonometric functions इसके अंदर आता है, और fourth inverse trigonometric functions इसके अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, log, trigo, ये आपने सारे 11th में पढ़े हैं, ITF आप 12th में पढ़ेंगे। एक बार इनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होता है, आई होप आपको सबको याद है, ए की पावर एक्स जब बेस 1 से बड़ा है, ए की पावर एक्स जब बेस 1 से छोटा है। 1 से छोटा का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस 0 से 1 के बीच में ही हमेशा लाई करेगा, ठीक है? अब्दुल्ला क्या बताना है वापस से? ये वाला x प्लस वन बाई एक्स वाला बोल रहे हो क्या? x प्लस वन बाई एक्स इसके दो एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है? दो एसिम्प्टोट है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, मतलब y इज इक्वल टू एक्स लाइन को एक कर्व ट्रेस करेगा, छूने की कोशिश करेगा,
ठीक है। दूसरा x इज इक्वल टू जीरो को ये ग्राफ छूने की कोशिश करेगा, मतलब इसको छूने की कोशिश करेगा, तो ये दो एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे इसके लिए। दूसरा अब हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को ये भी सोच रहे हैं कि ये अनबाउंडेड फंक्शन है, अगर आप देख सकते हैं ठीक है, कोई बाउंडेड नहीं है, कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ नहीं लाई कर रहा है, उनके बाहर ग्राफ लाई कर रहा है, ठीक है। अब ट्रांसजेंडरल फंक्शंस की हम बात कर रहे थे, तो पहला हमने देख लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए रेज़ टू एक्स होता है, ठीक है। इस फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज आर, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, हमेशा जीरो से इन्फिनिटी होता है एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट अगर हम देखें लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें, ये क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, लॉग ऑफ एक्स बेस है, और ये वाला भी बनेगा लॉग ऑफ एक्स बेस का ग्राफ। यस बेटा, बेस वन से बड़ा, ऊपर वाले में हम जीरो से कम वाली वैल्यू क्यों नहीं डालते, क्यों नहीं आ रहा क्या, जीरो से कम वाली वैल्यू। एक सेकंड, पहले इसका आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ सर, ऊपर वाले में हम जीरो से कम वाली वैल्यू क्यों नहीं आ रही, किसमें सर, वो ए रेस टू एक्स डाल सकते हो ना, x की जगह आप डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो, आ क्यों नहीं रही है, वो आ क्यों नहीं रही है, हो तो आप पुट करके देख लो ना भाई, हाफ की पावर आप कुछ भी डाल दो नेगेटिव आंसर आएगा क्या, टू की पावर में कुछ भी डालो नेगेटिव आंसर ला सकते हो क्या आप, टू रेस टू व्हाट विल गिव यू माइनस फाइव, कुछ भी नहीं, टू रेस टू कुछ भी डालूंगा तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, टू रेस टू वन, टू रेस टू टू, टू रेस टू थ्री, लॉजिकल है तो काफी ज्यादा। Self understood answer. 2 raised to anything. Can you get me the answer minus 1? ठीक है। तो negative कैसे है? अब next देख लेते हैं logarithmic function. Log of x base a का graph. जब a 1 से बड़ा है. Log x base a का graph. जब a 0 से 1 के बीच में. Domain क्या हो जाता है function का? Log के अंदर domain क्या होगा? 0 से infinity. रेंज क्या हो जाएगा इसका, आर हो जाएगा। अब आपको पता चलना चाहिए डोमेन रेंज में हो गया, रेंज डोमेन में हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्ट्स है, दीज आर इनवर्ट्स ऑफ ईच अदर। लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्ट्स ऑफ ईच अदर। सर यस बेटा, सर उसमें ए नेगेटिव नहीं हो सकता ऊपर वाले में, ये तो हमने जब 11th में पढ़ रहे थे तभी आपको बताया था क्यों नहीं हो सकता भाई, माइनस टू की पावर टू 4 मिलेगा, माइनस 2 की पावर 3 माइनस 8 मिलेगा, तो इसका ग्राफ बना पाओगे क्या, स्केटर्ड पॉइंट्स हैं ये तो। फिर कोई बोलता है माइनस 2 की पावर 2.1, तो ये क्या होगा, नहीं पता, नहीं पता ना, माइनस 2 की पावर 2.1 क्या होगा, हमको नहीं पता, इज इट क्लियर, इसके लिए नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं डाल सकते, ये तो आपको 11th में ही बता दिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ए है वो पॉजिटिव डालना है आपको, लॉगरिथमिक के आर्गुमेंट में पॉजिटिव डालना है, ठीक है ना, तो इसमें तो आई गेस अभी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट है तो पूछ लो आप, मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्यों वन नहीं डाल सकते बेस, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है बेस के बारे में, बेस जीरो से वन होना चाहिए, बेस का भी वन नहीं होना चाहिए, लॉग में भी सेम चीज़ फॉलो होती है, क्यों एक दूसरे के इनवर्स है, तो जो उसमें होगा वो नीचे वाले में भी सेम ही चीज़ होगी सारी की सारी, बेस वन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बना रहा है, वन की पार वन, वन की पार टू, वन की पार थ्री, है ना, आंसर वन ही आता है, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग दैट वी गेट आफ्टर स्केचिंग दैट ग्राफ, इसीलिए उसको भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है, चले नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख लेते हैं, ठीक है, ये भी मैं रिकॉल आपको करवा देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ln of a भी लिखा है, तो क्या हो जाएगा ln of a plus ln of b, first property, किसी को doubt है तो पूछते जाओ आप, a b का product a और b लिखा जा सकता है, ln of a by b को लिखा जा सकता है ln of a minus ln of b, third ln of a raised to m इसको लिखा जा सकता है m ln a, फोर्थ, सब मैं मॉड लगा रहा हूँ, आपको ये कन्फ्यूजन अगर है मॉड सर आप क्यों लगा रहे हैं सबके अंदर, तो मॉड लगाने के पीछे रीजन ये है कि आपने लिख दिया लॉग ऑफ 6, तो इसको हम लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 में ही ब्रेक करेंगे,
एक आप चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, टू और थ्री मिला के सिक्स बनेगा, माइनस टू और माइनस थ्री सिक्स होता है, लेकिन इंडिविजुअली माइनस टू माइनस थ्री डिफाइन ही नहीं है, सिर्फ क्या डिफाइन है, ए बी का प्रोडक्ट, जब ए बी पॉजिटिव हो और बी बी इंडिविजुअली पॉजिटिव हो तभी वो स्प्लिट हो पाएगा, नेगेटिव में स्प्लिट नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट हमने क्या देखा हुआ है, लॉग ऑफ ए बेस ए वन होता है, फिफ्थ लॉग ऑफ ए बेस वन अपॉन ए माइनस वन होता है, मेरे साथ ही लिखते हुए चलना आप, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपके पास लॉग ऑफ ए बेस में बी की पावर एम, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एम लॉग ऑफ ए बेस बी, यस, नीचे जो होता है वो बाहर आ जाता है तो वन अपॉन में जाता है। अच्छा इससे मैं एक और चीज कंक्लूड करता हूँ, सातवीं चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे लॉग ऑफ ए बाई बी है तो ये जो वैल्यू होगी ये बिल्कुल इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के, ये इक्वल होगी लॉग ऑफ ए क्यूब बाई बी क्यूब के, क्यों, दोनों के एक्सपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे, थ्री थ्री से कट जाएगा तो लॉग ए बेस बी ही बचेगा आपके पास। एट्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग ऑफ ए बेस बी को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन लॉग ऑफ बी बेस है, रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, आर्गुमेंट बेस में कन्वर्ट हो जाता है, यस। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, नाइन्थ को क्या लिख सकते हैं बताओ, नाइन्थ में हम लिख सकते हैं ए लॉग ऑफ ए की पावर एम, अब होता क्या फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, ए लॉग ए कट जाएगा सीधा आंसर आ जाएगा एम। टेंथ जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है वो क्या पढ़ी हुई है, ए लॉग ऑफ बी बेस सी, तो होता क्या है टॉप फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर टॉप फ्लोर, तो बी लॉग ऑफ ए बेस सी, तो जो टॉप में रहता है वो ग्राउंड में जा सकता है और जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है वो टॉप पे जा सकता है, ठीक है। तो ये 10 प्रॉपर्टीज जो है ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, एक बार इसको गो थ्रू कर लो आप, किसी का भी प्रूफ अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे एक बार प्रूफ जानना है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, किसी में भी अगर आपको डाउट है कि सर ये कैसे हो सकता है पता नहीं चल रहा तो यू कैन काइंडली लेट मी नो। सर यस बेटा, सर सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाले में तो क्या करेंगे बेटा, जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है दोनों आपस में से टू बाहर निकाल देंगे ना, लॉग ऑफ ए स्क्वायर बेस में बी स्क्वायर है तो क्या जाएगा टू लॉग ऑफ ए, बी स्क्वायर का बी एक बाहर तो ये बाय टू आ जाएगा, ये लॉग ऑफ ए बेस बी आ जाएगा आपके पास। सर वो सिक्स्थ वाला समझाओ, सिक्स्थ वाला यही लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए बेस बी रेस टू एम है, वो क्या हो जाएगा वन अपॉन एम लॉग ऑफ ए बेस बी, तो ये बेस में जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, इसको समझने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो भैया लॉग ऑफ ए बेस में बी की पावर एम लिखा है तो मैं काम करता हूँ लॉग ऑफ ए बेस मान लेते हैं कुछ एक्स अपॉन लॉग ऑफ बी की पावर एम बेस एक्स मान लेते हैं, एम बाहर आ सकता है लॉग ऑफ ए बेस एक्स अपॉन एम लॉग ऑफ बी बेस एक्स, अब ये तो नीचे है तो वन अपॉन एम बाहर आ जाएगा लॉग ए बेस एक्स अपॉन लॉग ऑफ बी बेस एक्स, तो बेस चेन थियरम से क्या हो जाएगा वन बाय एम लॉग ऑफ ए बेस बी, ठीक है, क्लियर है सर। नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, ए लॉग ऑफ एम बेस ए, एक काम कर लो आप लॉग ऑफ एम बेस ए को आप एक्स मान लो तो एम क्या हो जाएगा लॉग हटता है ये इसके चरणों में जाता है तो ए की पावर एक्स हो जाता है, अब मैंने क्या बोला लॉग ऑफ एम बेस ए को एक्स ले लो आप, ये क्वेश्चन में एम बेस एक्स हो गया तो क्या हो गया ए की पावर एक्स हो गया, अब ए की पावर एक्स किसके बराबर है एम के बराबर है तो ये एम के बराबर आ जाएगा, यही हमने देखा हुआ है ए लॉग ऑफ एम बेस ए कट जाता है पूरा का पूरा एम बचता है आपके पास, जो एक्सपोनेंट है और जो लॉग का बेस है वो अगर सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो आर्ग्यूमेंट है वही आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर है। सारा का सारा एक बार देख लो आप, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है तो थोड़ा टाइम निकालेंगे रिवाइज कर देंगे लॉग आप, ठीक है, चलें अब आगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ,
अब हम बात करते हैं ट्राइकोटॉमी. ट्राइकोटॉमी इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ लॉगरिथम्स व्हिच डील्स विद इनइक्वालिटीज. तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की बात करते हैं. जब हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो अगर ऐसा दिया हुआ है log of x base में m is greater than log of y base में m, तो यहाँ से मेरे पास दो कंक्लूजन आ जाएंगे. क्या कंक्लूजन आएगा भाई, x या तो y से बड़ा होगा, x या तो y से छोटा होगा. अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब नहीं होता, जब बेस वन से बड़ा होता है. इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करता है जब बेस जीरो से वन के बीच में होता है. नोट कर लेंगे इसको, ठीक है सर? यस, फिर से बताओ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी. जब बेस आपका सेम है तो डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो. और वो इनइक्वालिटी का जो साइन था लॉग में, वो कब चेंज नहीं करेगा, जब बेस वन से बड़ा होगा. और वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जब बेस जीरो से वन के बीच में, ठीक है. एक्स और वाई से कोई लेना देना नहीं हमको, हमको सिर्फ बेस से लेना देना है. एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यूज हो, ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे जो आपके पास होगा बेटा वो ऐसा होगा. हम इस क्वेश्चन से ऐसे किए हुए हैं आपने, log of x minus 1 to the base 5 greater than log of x square to the base 5. अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, बेस सेम है तो आर्ग्यूमेंट के बीच में रिलेशन हो जाएगा x minus 1 is greater than x square. ऐसे क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करें. इज इट क्लियर? यस सर. और अगर इसी की जगह ऐसा लिखा होता log of x minus 1 to the base 1 by 5 greater than log of x square to the base 1 by 5, तो ये क्या बन जाती है इनइक्वालिटी, x minus 1 is less than x square. और फिर मैं इसको सॉल्व करता. इज इट क्लियर? ये फर्स्ट ट्राइकोटॉमी का रिलेशन है आपके पास. x और y बेटा इक्वल हो सकते हैं, वो तो इनइक्वालिटी पे पता चलेगा हमको. इनइक्वालिटी में जो दिया होगा हमें उसी को फॉलो करना, ठीक है. चला जाए, लेट्स मूव ऑन नाउ. सेकंड देख लेते हैं, ट्राइकोटॉमी में सेकंड रिलेशन देख लेते हैं. अब होगा क्या, मान लो आपका बेस वेरिएबल है, तो दिया हुआ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, दिया हुआ आपके पास लॉग ऑफ मान लेते हैं एक्स टू द बेस a greater than log of x to the base b. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a b से बड़ा होगा, ठीक है. जब हमें सीधा सीधा रिलेशन निकालना है तो हम बेस के बीच में रिलेशन सीधा निकाल लेंगे. a b से बड़ा हो जाएगा आपके पास अगर आर्ग्यूमेंट्स आपके पास सेम, ठीक है. मान लो ऊपर, एक्चुअली लिखना ऐसे नहीं चाहिए, हमेशा हमारा दिमाग जो सोचता है वो क्या सोचता है, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में सोचता है. तो ऐसे मान लो ना, लॉग ऑफ मान लो ए टू द बेस एक्स इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ ए टू द बेस वाई, ठीक है. तो इसको मैं क्या सोच सकता हूँ पता है आपको, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्विंग के लिए ऐसा सोचूंगा, वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स बेस ए ग्रेटर देन वन अपॉन लॉग ऑफ वाई बेस ए. एग्जाम्पल की तरफ से ले लेते हैं, लेट्स से मेरे पास अगर एक एग्जाम्पल है log of 2 base x is greater than log of 2 base x square minus 1, ठीक है. ये चीज मुझे दी हुई है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बेस अगर मेरा सेम है तो यहाँ से मैं कंक्लूजन ऐसे बना सकता हूँ कि x की वैल्यू जो होगी वो x square minus 1 से बड़ी होगी. लेकिन जो भी आप सॉल्विंग करते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, शुरू से मैं बता दूं आपको, जो भी आप सॉल्व करते हैं आप हमेशा डोमेन को चेक करते हुए चलेंगे. व्हाट द आंसर यू गेट, चेक इन डोमेन ऑफ द फंक्शन,
ठीक है ना, फंक्शन के डोमेन में आप हमेशा चेक कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत नेसेसरी चीज है। Is it clear? इसमें actually अगर मैं बात करूँ तो directly ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, directly नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें इस question को solve करने के लिए, if we want to solve it from here, हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि देखो अगर मेरा x और x square minus 1 की value की बात करता हूँ तो यहाँ से ये बन जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, वन अपॉन, अच्छा डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते यहाँ से, क्यों नहीं बोल सकते, देखो वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स बेस टू है ग्रेटर देन वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बेस टू है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो इसको मैं किस में पॉजिटिव कंसिडर कर लूँ, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अच्छा वो ये टॉपिक भी निकल आया तो डिस्कशन हम कर लेते हैं, डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, देखो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देंगे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा वन इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ एक्स बेस टू अपॉन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बेस टू, फर्दर ये सॉल्व हो जाएगा वन इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ एक्स बेस में एक्स स्क्वायर माइनस वन। यस बेटा, वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हमको पता नहीं होता, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तब हमने क्या बोला, अगर ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन सेम रहेगा, जब ये नेगेटिव है तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सर यस बेटा, तो फिर दो केस लेके करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो वैल्यू x की तो पता ही नहीं है ना। नहीं पता ना, तो दो वैल्यू लेके शुरू करेंगे। यस ठीक है, तो क्वेश्चन काफी लंबा है, इसको सॉल्व करने में भी काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते सर। सर यस 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 बेटा बोलो, सुन रहा हूं। सर आपने जो ऊपर डोमेन की बात करी थी ना, तो वो मतलब क्या था, मतलब जो आंसर वैल्यूज आएगी एक्स की तो वो डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए या तो बताओ, आप ही बताओ क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली डोमेन चेक करेंगे ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यहां से चेक होगा, यहां से क्या चेक होगा, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 चेक होगा, है ना। हां दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब फोर्थ इनइक्वालिटी देख लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है log of a base m is equal to b, तो ये log की प्रॉपर्टी है, a क्या हो जाएगा, m की पावर b हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हुआ है log of a base m is greater than b, तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, greater than m raised to b, कब लिख सकता हूँ, जो m है वो 0 से, ये m 1 से बड़ा है, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। नेक्स्ट अगर ऐसा लिखा है log of a base m, ठीक है, log of a base m, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ less than b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी एक काम करते हैं, greater than ही करते हैं लेकिन base चेंज करते हैं, greater than b, तो a क्या हो जाएगा, m की पावर b, अगर m का वैल्यू मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब क्या, अगर मेरा बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा। नोट कर लेंगे आप लोग। सर रिवर्स कहाँ हुआ? ओ सॉरी मैंने लिखा नहीं क्या, रिवर्स करके सेम ही लिख दिया, रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल, इट हैज टू चेंज, इट हैज टू बी लेस देन एम रेज टू बी, इसको छोटा होना पड़ेगा। सर अगर ये वाले केस में ए बी जीरो के जीरो से वन के बीच में लाई करता तो कुछ भी होता, ए और बी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बेस से लेना देना है, ए और बी की वैल्यू कुछ भी आप ले लो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास जो सॉल्विंग के लिए अगर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ए और बी कांस्टेंट है
तो फिर m वेरिएबल देंगे तो आपको दो केस लेके बेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में a और b वेरिएबल होगा, m कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलें तो फोर्थ भी आप लोग कर लोगे। अब इसके ऊपर हमें मेन जो फोकस करना है वो डोमेन पे करना है, तो फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आपको इसका डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शंस। फर्स्ट इसका डोमेन निकालो, 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y इज इक्वल टू 10, इसका आपको डोमेन बताना है क्या होगा। n की पावर x प्लस 10 की पावर y इज इक्वल टू 10, इसको क्या लिख सकते हो आप, इस क्वेश्चन को लिख सकते हो 10 की पावर y इज 10 माइनस 10 की पावर x। फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें लॉग ले सकता हूँ दोनों साइड, तो y क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 माइनस 10 की पावर x, बेस में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यस, अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, डोमेन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 10 माइनस 10 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 10 की पावर x जो है शुड बी लेस देन 10, मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं 10 की पावर x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, व्हिच इज नथिंग बट 10 रेज टू 0, सॉरी शुड बी लेस देन 1, शुड बी लेस देन 1 व्हिच मींस 10 की पावर x माइनस 1 इज लेस देन 10 रेज टू 0, मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, x माइनस 1 की जो वैल्यू है 0 से छोटी, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल 10C का सही आंसर आ गया मेरे पास, परफेक्ट। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इनफिनिटी टू 1। फर्स्ट हो जाएगा आपके पास, सेकंड क्वेश्चन लिख लेंगे, सब नोट कर लो इसको। इस फंक्शन का डोमेन बताना है आपको, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 बेस में हाफ। Let's see, बच्चों का क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बता दो, अगर आप सबको आ जाता है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आप क्या करोगे, लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव करोगे और स्क्वायर रूट के अंदर जो स्टोरी लिखा उसको भी पॉजिटिव करोगे आप, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, क्यों, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सब तक पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे तुम? हाँ सर। क्या कर रहे हो सॉल्विंग, अभी यही कर रहे हो कि कुछ और कर रहे हो? सर मतलब अभी तो एनसीईआरटी कर रहा था, वो असाइनमेंट सेंड करना, इसलिए। तो तुम्हारा कैसे होगा, तुम्हारा ध्यान तो है नहीं सॉल्विंग में, यहाँ पे ये सॉल्व करके जब तुम्हारे पास खाली टाइम बचता है उसमें वो करो ना, क्लासेस तो अटेंड करो एटलीस्ट अच्छे से। सर अभी थोड़ी कर रहा हूँ। कर रहे हो ना, अभी तो यही कर रहे हो ना जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। हाँ मतलब सर कर तो रहा हूँ। ठीक है, इंशा सब समझ आ रहा है बेटा आपको? यस सर। चलो देखो कौन आंसर बता रहा है, फटाफट फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे, कहेगा
यस बेटा माइनस इनफिनिटी से 3 यूनियन 4 से इनफिनिटी उल्टा बता रहे हो एग्जैक्टली उल्टा एग्जैक्टली उल्टा आ रहा है हाँ सर 3 से 4 बिल्कुल ठीक है ना आंसर करेक्ट 3 से 4 इनइक्वालिटी में गलती हो गई ठीक है ना 3 से 4 आ जाएगा आंसर हाँ सर वेरी गुड बहुत अच्छा 3 टू 4 इज द आंसर कैसे करेंगे लेट्स सी इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में पहले तो आपको लॉक के आर्ग्यूमेंट को सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे लॉक के आर्ग्यूमेंट को सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 13 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ से हमें क्या पता चला एक्स का वैल्यू आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इट्स 49 माइनस ऑफ 4 मतलब ये लेस देन जीरो आ रहा है लेस देन जीरो का मतलब क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है तो हमें कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट लॉग के अंदर की जो स्टोरी है अब इसकी बात करते हैं लॉग के अंदर की स्टोरी तो हमेशा पॉजिटिव आ गई अब रूट के अंदर की बात करते हैं तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 13 जो है बेस में हाफ जो है ये वाली वैल्यू क्या है पॉजिटिव आनी चाहिए ये पॉजिटिव कब आएगी जब लॉग हट जाएगा ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 13 विल बी लेस देन 1 क्यों हाफ की पावर जीरो लिखा है और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा बेस वन से छोटा है यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 13 इज लेस देन 1 सो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 इज लेस देन 1 सो एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0 सो एक्स बिलोंग्स टू 3 टू 4 आ जाएगा आपके पास सर यस बेटा सर वो ग्रेटर देन 0 वाला समझ नहीं पड़ी मतलब उधर से समझ नहीं पड़ी ग्रेटर देन 0 के ऑलवेज पॉजिटिव है ये वाला ये इसका डी नेगेटिव आ गया डी नेगेटिव आ गया मतलब कोई रूट्स ही नहीं होंगे हमेशा एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा अब एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब क्या वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी ना ठीक है सर दूसरा हमने क्या किया ग्रेटर देन 0 था बेस को उधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ की पावर 0 हो गया और उसकी वजह से क्या हो गया इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया यही वाला ये देखो ये वाला केस था ए को एम की पावर ए इज ए लेस देन एम रेज टू बी कर दिया तो ये लेस देन हो गया फिर लेस देन तो क्वाड्रेटिक की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स की वैल्यू 3 से 4 के बीच में आपका आंसर आ जाएगा सही है सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं हम सर पर वहां पर ए तो कांस्टेंट था ना यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है हाफ तो कांस्टेंट ही है यस अली असगर कोई डाउट है अभी तो बताओ ए बेस एम में हाँ सर यहाँ क्या है यहाँ पे मतलब वहाँ पे ए कांस्टेंट था ना कहाँ लिखा है सर कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो ऐसा कहीं कुछ लिखा ही नहीं हमने हमने तो बोल दिया ए बेस एम अगर बी है तो ए का वैल्यू एम रेस टू बी हो जाएगा ये इन्हीं को इस क्वेश्चन को अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अब यहाँ से सॉल्व करेंगे कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है वो तो अपनी वैल्यूज खुद डिसाइड कर लेंगे वो अंदर ही अंदर हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है हमें तो अब सॉल्व करने का तरीका जानना है ए बेस एम इज ग्रेटर देन बी है इसको सॉल्व मैं आगे नहीं कर पा रहा था तो मैंने क्या कर दिया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और सॉल्व करने की कोशिश की इज इट क्लियर यस सर ठीक है ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लॉग ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इसका डोमेन बताना आपको एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों अलग अलग लिखे हुए तो लिखा है 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इसका डोमेन बताना है क्या इसका डोमेन क्या होगा फटाफट बता दो मुझे
-271 एक बार चेक कर लो लिए सर कैसे करेंगे एक छोटी सी भूल हो रही है इसका क्या भूल हो रही है आपको वो देखनी है तो माइनस टू से जीरो माइनस टू से जीरो आधा आंसर है ये देखो वन माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए मतलब एक्स का वैल्यू वन से छोटा होना चाहिए ओके एक चीज ये हो जाएगी ये किसने चेक करके बताया लॉग ने बताया दूसरा वन अपॉन कुछ फंक्शन है तो जो वन अपॉन फंक्शन है वो क्या बोलता है लॉग ऑफ वन माइनस एक्स टू द बेस 10 ये क्या होना चाहिए कभी जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर कभी जीरो अलाउड नहीं है ना तो वन माइनस एक्स कभी वन अलाउड नहीं है तो एक्स का वैल्यू कभी जीरो अलाउड नहीं है तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज ने बताया तीसरा हमने क्या किया अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू लिखा है मैं बोलता हूँ एक्स प्लस टू क्या होना चाहिए पॉजिटिव तो एक्स का वैल्यू माइनस टू से बड़ा होना चाहिए तो इन तीनों का अमलगमेशन करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा आंसर माइनस टू से जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं हाँ बताओ पूछो सर वो सर वो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 समझनी पड़ी आर्गुमेंट है ना बेटा ये लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है ना हमेशा हमारे पास कंडीशन होते हैं लॉग ऑफ एक्स बेस है इसका क्या क्या चेक होता है एक्स पॉजिटिव होना चाहिए ए पॉजिटिव होना चाहिए ए कभी 1 नहीं होना चाहिए लॉग की ये तीन कंडीशन होती है हमेशा अब 1 अपॉन कोई फंक्शन होता है तो वो फंक्शन भी कभी 0 नहीं हो सकता इसीलिए हमने ये वाला भी चेक किया फिर स्क्वायर रूट की खासियत होती है पॉजिटिव होना चाहिए तो सब तक ने बिल्कुल ठीक बताया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलेगा सर आंसर आ जाएगा माइनस टू टू जीरो यूनियन जीरो टू वन यस यस बिल्कुल ठीक है ना तो जीरो टू वन एक चीज और भी आपको ऐड करनी है इसमें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब टू द बेस 10 और इसका भी निकाल लेंगे log of base 10 में log of 1 plus x cube to the base 10 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स क्यूब क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस वन से बड़ा होना चाहिए तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन से इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास अब ये देख लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स का वैल्यू माइनस वन से इन्फिनिटी लेकिन हमें क्या करना है अब ये वाली चीज़ भी ऑब्जर्व करो ये पूरा जो है अब पूरा लॉग के आर्ग्यूमेंट में आ गया ये अगर ये पूरा लॉग के आर्गुमेंट में आ गया मतलब क्या लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब बेस 10 जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए भाई ये खुद भी तो लॉग के आर्गुमेंट में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन वन एक्स क्यूब का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए तो एक्स का वैल्यू क्या जाएगा जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा इस केसेस में इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो दिस विल बी दी ओनली आंसर यस फर्स्ट वाले में एक ही कंडीशन है ना हाँ क्योंकि आर्गुमेंट में यही है अब इसके लॉग के लॉग में आर्गुमेंट है ठीक है एक और क्वेश्चन लास्ट जो मैं फ्लोट कर देता हूँ इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे लॉग बेस 10 चार बार लिख लो आप और ये एक्स है ना ये लॉग उसका आर्गुमेंट फिर उसके आर्गुमेंट में लॉग फिर उसके आर्गुमेंट में लॉग चार बार लिखा हुआ है इसका आपको डोमेन बताना है नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस